इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ Hyundai Venue CNG के बारे में। Venue के साथ में CNG आने वाला है, लेकिन कब आएगा, कौन सी प्राइस के साथ में आएगा, लॉन्च डेट क्या रहेगी, वो सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो जाए। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं, आइए चलिए शुरू करते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। Venue को CNG के साथ में Hyundai लॉन्च करने ही वाली है, लॉन्च डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी, उसके साथ में प्राइसिंग क्या होगी उसकी डिस्कशन भी इस वीडियो के अंदर होगी। उसके साथ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों का पूछना है कि अगर ये इनबिल्ट CNG के साथ में आती है तो पावर और टॉर्क क्या होगा, मतलब कि अल्टीमेटली इंजन और गियरबॉक्स के नाम पर क्या आएगा, वो कैसा रहेगा और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स कैसे होंगे, तो उसी के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल में बात होगी। और फीचर्स की बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, फीचर्स के बारे में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज कमेंट डाउन करके हमें बताओ कि आपको क्या लगता है, अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यूज शेयर करो। बाकी नवंबर का एंड जो है, नवंबर एंड मतलब कि 2024 का दिसंबर जो स्टार्ट होगा वहीं पे इसका लॉन्च हो सकता है। और इसका लॉन्च मतलब ऐसे शोर शराबा करके नहीं होगा, आपको ऐसे ही मतलब पोस्टर वगैरह देखने को मिल जाएंगे कि CNG के साथ में नाउ अवेलेबल विद दी CNG ऑल्सो, तो ये चीज़ ही होने वाली है। बाकी 1.2 लीटर का जो अभी नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल आ रहा है उसी के साथ में कंटिन्यू होगी। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और 5 स्पीड का आपको AMT देखने को मिल जाएगा। ये लोग जानबूझ के 6 स्पीड का मैनुअल नहीं देने वाले और ना ही ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर देंगे, वहाँ भी ऑटोमेटिक के नाम पे AMT होगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी का इंजन जिस हिसाब से ट्यून किया जाएगा उस हिसाब से AMT ही सही रहेगा, टॉर्क कन्वर्टर वहाँ पे नहीं लगाया जा सकता। और अभी जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल है, जो लोग आफ्टर मार्केट CNG करा के अभी चला रहे Venue को, वो लोग कमेंट डाउन करके बता दो कि आपको क्या लगता है। पावर इज टू टॉर्क का रेशियो तो नो डाउट मतलब डाउन होता ही है, लेकिन उसके अलावा जो अगर इनबिल्ट के साथ में आता है तो फिर वो देखने वाली चीज़ होगी कि कैसे वो लोग ट्यून कर पाते। बाकी अभी बाहर के मार्केट से तो वही चल रहा है कि मतलब थोड़ा बहुत तो आपको पावर लैक देखने को मिल जाता है गाड़ी के साथ में, थोड़ा बहुत नहीं उससे भी ज़्यादा, मतलब कि अच्छा खासा पावर लैक मिल जाता है। और उसके साथ हालांकि सोनेट भी आने वाली है CNG के साथ में, उसकी भी बात करेंगे किसी वीडियो के अंदर, लेकिन फिलहाल Venue के बारे में बात थी क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी के बारे में पूछ रहे थे। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि Venue CNG इनबिल्ट CNG के साथ जाना चाहते हैं या फिर उसका वेट कर रहे हैं, तो वो अपने डाउट्स वगैरह कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो, क्वेरीज है तो भी पूछ सकते हो। अभी वाली Venue को आप जाके टेस्ट ड्राइव कर लो, सिर्फ पेट्रोल के साथ में टेस्ट ड्राइव करो। अगर आपका कोई दोस्त है जो CNG के साथ में चला रहा है तो वो भी चला के देखो, उसके बाद कंपटीशन में बाकी सारी गाड़ियाँ भी चला के देखो। जब तक ये लॉन्च ना हो जाए तब तक आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे, तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले पाओगे। तो इतना ही था इन्फॉर्मेशन, पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ऑटो एंथुजियास्ट फैमिली के साथ में अभी ज्वाइन हो जाइए, और एवरीडे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड जानने के लिए वीडियो को एवरीडे देखते रहे। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।